हेलो एवरीवन, द फर्स्ट चैप्टर इज सॉलिड स्टेट, मॉड्यूल नंबर 8। टुडे वी विल डिस्कस मॉड्यूल नंबर 8। यू रिमेंबर दैट इन प्रीवियस सेवन मॉड्यूल में मैंने आपको एक तो पैकिंग इफिशियंसी इन एससीसी एंड पैकिंग इफिशियंसी इन बीसीसी को स्टडी कराया था, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टूड इट राइट। टूडे इट मीन्स इन दिस मॉड्यूल वी वॉन्ट टू कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी और सीसीपी राइट। बिकॉज मॉड्यूल नंबर 6 में मैंने आपको हाउ टू फॉर्म एचसीपी एंड हाउ टू फॉर्म सीसीपी और एफसीसी क्लोज पैकिंग के बारे में मैं आपको बता चुका था। आज हम लोग हमारा फोकस मेनली पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी पर रहेगा राइट। एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नाउ व्हाट इज एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक सेल इन शॉर्ट वर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी राइट। एफसीसी यू नो वेरी वेल इन क्यूबिक टाइप सिस्टम, इन क्यूबिक टाइप सिस्टम देर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कंटेनिंग क्रिस्टल लेटिस। वन इज एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। ओके, क्यूबिक सिस्टम में जो थ्री टाइप के क्रिस्टल लेटिस थे उनमें यूनिट सेल कौन कौन सी थी, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। इज दैट क्लियर। हाउ टू फॉर्म एससीसी ये बात हम देख चुके हैं। स्क्वायर जो लेयर थी उनको एक दूसरे के ऊपर ए टाइप का पैटर्न बनाएगा, उससे एससीसी टाइप की यूनिट सेल बनती थी राइट। बीसीसी में क्या था, स्क्वायर लेयर से ही बनती थी, पर स्क्वायर लेयर के बिटवीन में जो एम्प्टी स्पेस था उस पर हमने सेकंड स्पीयर ऑफ द स्पीयर ऑफ द सेकंड लेयर रखा था, फिर इसके बाद में रिपीटेशन हुआ था, तो ए बी टाइप का ये नजर आया था राइट। एफसीसी मॉड्यूल नंबर 6 में हमने एससीपी और एफसीसी के बारे में डिस्कशन कराया था कि ये कैसे फॉर्म होती है राइट। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कहां कहां लोकेटेड होते हैं, एट कॉर्नर, एट ऑल कॉर्नर, CORNER, एट ऑल कॉर्नर राइट। 1, 2 दीज आर द कॉर्नर एटम्स विच आर इंडिकेट बाय सेडेड राइट, सेडेड राइट। एंड ऑल्सो सेंटर ऑफ ईच फेसेस, सेंटर ऑफ ईच फेसेस हाउ मेनी फेसेस, देन यू कैन से 6 फेसेस, नीचे का फेस, ऊपर का फेस, लेफ्ट का फेस, राइट का फेस, आगे का फेस, आगे के फेस पर ये वाला पार्टिकल होगा और पीछे के फेस पर ये वाला पार्टिकल मींस एटम होगा राइट। ये सिचुएशन थी। पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की नीड होगी, पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला देखिएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय एटम्स राइट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इज दैट क्लियर, यूनिट सेल राइट इनटू 100। अगर मैं यहीं तक वैल्यू निकालता हूं तो ये पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा राइट। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय द एटम अपॉन एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। 100 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पैकिंग इफिशियंसी, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकल आएगी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय एटम मींस मैंने आपको लास्ट में बताया था, सबसे पहले मालूम होना चाहिए हाउ मेनी एटम्स, देन यू कैन से इन एफसीसी यूनिट सेल, इन एफसीसी यूनिट सेल
z की वैल्यू कितनी होती थी, 4। 4 कैसे काउंट होते थे आपको याद होना चाहिए, 8 कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस पर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 का होगा, 1 + 3 = 4, तो 4 एटम प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एटम्स यानी 4, इज दैट क्लियर। एंड ईच एटम मीन्स स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, जो कि 4/3 πr की होता है, राइट। इट मीन्स हियर 4 वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाई एटम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एटम्स यानी वैल्यू ऑफ z, नंबर ऑफ एटम्स यानी वैल्यू ऑफ z इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर मीन्स एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल में, क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल की जो पैरामीटर होते हैं a = b = c, यानी सभी एज लेंथ सेम होती है, राइट, एंड α = β = γ = 90° होता है, ये तो हम जानते हैं, इज दैट क्लियर। इट मीन्स वॉल्यूम का यूनिट सेल हम लिख देते हैं aq, इज दैट क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल हो गए, एटम्स हो गए, और 1 एटम ऑफ ईच फेसेस, इस फेस पर ये है, इस फेस का सेंटर ये, इस फेस का सेंटर ये एटम, इस फेस के सेंटर पर एटम, आगे फेस के सेंटर का और पीछे के फेस के सेंटर का एटम, इज दैट क्लियर। अब मैंने एक डायग्राम और बनाया है, वो डायग्राम क्यों बनाया, एक्चुअल में है क्या कि इस एटम के सेंटर में आ जाने की वजह से ये पार्टिकल जो कॉर्नर के हैं, ये जो एटम और स्फीयर कॉर्नर के हैं, दे कैन नॉट टच ईच अदर, राइट। तो कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर, कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर, ये किस वजह से नहीं कर पाते। अच्छा, एससीसी में करते थे वो, एफसीसी में नहीं करेंगे, बीसीसी में भी नहीं करते थे, ठीक है ना, ईच अदर, ओके। बट ये जो सेंटर का एटम है, ये डायग्रामेटिक सिचुएशन इस तरह की आती है, बट सेंटर ऑफ द फेसेस का ये पार्टिकल बेटा इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, तो सेंटर ऑफ द फेसेस पार्टिकल टच द कॉर्नर एटम, बट सेंटर ऑफ द फेस स्फीयर टच कॉर्नर एटम, इज दैट क्लियर। सेकेंड बात, नंबर टू, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, देन जेड वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4। हाउ टू कैलकुलेट, यू कैन रिटर्न दिस, राइट, z = 4। और अगर मैं यहां, इट मींस यहां मैं लिखता हूं 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर होगा 4/3 πr³। तो मैंने यहां पर एक और बात लिखी, रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको हमने मान लिया, सपोज कर लिया, आर कंसीडर कर लिया, एंड एज लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, एज लेंथ को हमने ए कंसीडर किया, राइट, एज लेंथ ए और रेडियस ऑफ द स्फीयर आर, सो द वॉल्यूम aq = वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा aq, इज दैट क्लियर, aq upon aq। अब हमें a की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, a की वैल्यू डिटरमाइन करने से रिलेशन बिटवीन a एंड r निकालेंगे अपन, ठीक है ना, यू नो वेरी वेल इन SCC a = 2r, इज दैट क्लियर, इन बीसीसी a = 4r/√3 था, FCC में ये क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम के बाद, ये डायग्राम मैंने बहुत सिंपल वे में लिया है, कुछ ही एटम्स को जिनकी रिक्वायरमेंट यहां होगी। अब देखिए, जब ये दोनों कॉर्नर के एटम या ये वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, तो हम a = 2r नहीं कह सकते, a मीन्स लेंथ ऑफ एज, यहां से यहां तक की इस डिस्टेंस को हम लोग a कहते हैं, दैट इज a, ये वाली भी a है, ये वाली भी a है, ये वाली भी a है, राइट, a कहते हैं हम लोग।
तो मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है कि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो a इक्वल टू टू आर नहीं होगा, तो फिर ये एज लेंथ यानी a कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये a वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वैल्यू ऑफ a कैलकुलेट करने के लिए ये सेंटर ऑफ द फेस का एटम है जो कॉर्नर के एटम को टच कर रहा है, ये इसको भी टच करता है, यहां भले ही नहीं दिख रहा हो लेकिन ये इसको इनको इनको चारों को टच करता है, चारों मतलब यहां भी मौजूद होगा, तो ये वाला स्फीयर 1, 2, 3, 4 इनको टच करेगा। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या किया, ये क्या बना दिया, दैट इज द रेड लाइन इंडिकेट हियर डायगोनल ऑफ द फेस। तो डायगोनल ऑफ द फेस की ये लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट? तो ट्राइंगल हियर, लुक एट द बोर्ड, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, ओके, ट्राइंगल एबीसी, दिस इज ट्राइंगल एबीसी, द बीसी स्क्वायर लेंथ ऑफ फेस डायगोनल बीसी, फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल बीसी। सो बीसी को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, देखिए बीसी वैल्यू, राइट? सो बीसी स्क्वायर इक्वल टू, लुक एट द बोर्ड, बीसी स्क्वायर वैल्यू, बीसी स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम अपन यूज कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट? ए बी इज द एज लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट मीन्स 2a स्क्वायर, राइट? बीसी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गए। बीसी जो वैल्यू निकालेंगे अपन वो क्या निकल आएगी, बीसी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूं अंडरूट 2a, लिख सकते हैं क्या नहीं हम लोग, राइट? तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू हो गया अंडरूट 2a। अब आप इस बीसी को एक और तरीके से आप मेजर कर सकते हैं, ये मैंने इंडिकेट कर रखा था पहले से, ये बी यानी ये एटम, सी यानी ये एटम, ये सेंटर ऑफ द पार्टिकल, यहां से यहां तक को हम कहेंगे 1r, नेक्स्ट 1r, नेक्स्ट 1r, नेक्स्ट 1r, रेडियस ऑफ द स्फीयर 1, रेडियस स्फीयर 2, रेडियस ऑफ द स्फीयर 3, रेडियस स्फीयर ऑफ 4, राइट? तो 4r, bc इक्वल टू हो गया 4r, राइट? सो दिस वैल्यू, वैल्यू ऑफ bc एंड वैल्यू ऑफ bc, राइट, वी कंपेयर्ड इट, तो कंपेयर करते हैं हम लोग, तो BC इज 4R, तो LHS इक्वल देन RHS इक्वल टू, देन वी कैन से अंडरूट 2A इक्वल टू 4R, इज दैट क्लियर? सो A इक्वल टू 4R अपॉन अंडरूट 2, ओके? नाउ दीज आर द रिलेशन SCC, BCC, FCC, फॉर A SCC के लिए A इक्वल टू 2R होगा, फॉर BCC A इक्वल टू 4R अपॉन अंडरूट 3, और 4FCC A इक्वल टू 4R अपॉन अंडरूट 2, दीज आर द रिलेशन बिटवीन द A एंड R, लेंथ एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट? तो आप ये भी आप याद रख सकते हैं, और इसका हॉल क्यू कर दिया जाए, A क्यू कर दिया जाए, इट मींस 4R अपॉन अंडरूट 2 का हॉल क्यू, दैट इज द 4Q मींस 64, RQ अपॉन 2 अंडरूट 2, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इस वैल्यू को अपन यहां पुट करने जा रहे हैं, इज दैट क्लियर? इट मींस हेयर 4 × 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू, दैट इज वैल्यू इज रिमेनिंग 100 रह गया था स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 100, ए क्यू की वैल्यू हो गई हमारी 64 आर क्यू अपॉन 2 √2। अब आपको इसे इंटू 100, अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है, तो इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा इधर लेकर आता हूं आपको, ठीक है ना, आप इधर देखेंगे इक्वल टू, देखिए आर क्यू से आर क्यू क्रॉस करिए, आर क्यू से आर क्यू क्रॉस हो गया, ठीक है ना, और क्या क्या क्रॉस हो सकता है आप देखिए, 2 √2 ये है, ये 4, ये 64 है, बहुत इजी गोइंग, देखिए आप लोग 4 ऊपर का 4 इंटू एक और 4, ये पाई, राइट, अपॉन ये 2 √2 को मैंने ऊपर पहुंचा दिया, 2 √2, बहुत सारी चीजें अभी क्रॉस होंगी हम देखेंगे अभी, राइट? एक तो ये 64 यहां रिमेनिंग था वो लिख दिया गया, इनटू ये वाला भी 3 नीचे ही है, इनटू क्या है हमारा 100, इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? थोड़ा मैंने इधर लिख दिया, अभी मैं आपको इसको 2 मिनट में फिर रिवाइज करा दूंगा। अब देखिएगा
मैंने सिर्फ RQ से RQ को क्रॉस किया है और बाकी क्या क्या बच रहा है वो आप यहां देखिएगा, इक्वल टू 4 × 4 16, 16 से 64 कितने टाइम्स क्रॉस होगा, 4 टाइम, राइट, 4 टाइम, लिसन केयरफुली, 4 टाइम क्रॉस हो जाएगा और 2 से वो 4 2 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा, इट मींस ऊपर रिमेनिंग क्या रहा, पाई इनटू अंडर 2 की वैल्यू 1.414, राइट, अपॉन ये अंडर 2 की वैल्यू लगा दी, इनटू 100 ये है ये हमारे पास, राइट, और 2 से 2 ये 2 रिमेनिंग रहेगा, इनटू 3 यानी 2 × 3 6 रह गया, पाई की वैल्यू लगाओ 3.14 इनटू 1.414 इनटू 100 अपॉन 6, राइट, 6, इज दैट क्लियर। आप इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 74%। सो द पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी, पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी इक्वल टू होगा, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 74। एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज कराता हूं क्योंकि फिर मुझे इस सारे मटेरियल को मतलब इरेज करना है। अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस जिनकी यूनिट सेल की हमें पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी ऑलरेडी निकाल चुके 52.4%, बीसीसी की 68% और एफसीसी के लिए वैल्यू होगी 74%। ओके, अब एफसीसी की निकालेंगे कैसे, एफसीसी में एटम कहां प्रेजेंट रहते हैं, ऑल द 8 कॉर्नर्स एंड 1 एटम प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द फेसेस, राइट, ये तो उसकी इक्वेशन हो गई। हमने कुछ चीजें कंसीडर कर ली, कंसीडर क्या कर ली, रेडियस ऑफ द स्फीयर आर, ये हम हर जगह किया है हम लोगों ने, एज लेंथ को ए कंसीडर किया, ये जो पार्टिकल है सेंटर ऑफ द फेस रखा हुआ पार्टिकल है, ये कॉर्नर के पार्टिकल को तो टच करता है लेकिन ड्यू टू दिस पार्टिकल कॉर्नर के एटम, कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर, डू नॉट टच ईच अदर, इज दैट क्लियर। सो इट मींस जब ये कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, ये एज लेंथ ए कंसीडर की गई, टच नहीं करते तो ए इक्वल टू 2R नहीं होगा जैसा हमने एससीसी में देखा था। सो हाउ टू कैलकुलेट इट, अब कैलकुलेट करने का तरीका, रेडियस ऑफ द स्फीयर हो गई, जेड इक्वल टू 4 कैसे होता है ये बात आप देखिए जानते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल, राइट, ए क्यू पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला ये हो गया, वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब जितने एटम उनका वॉल्यूम, मतलब पहले तो ये बता एटम कितने, तो एटम कितने होते हैं, जेड मीन्स 4 एटम होते हैं और हर एटम का मतलब स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की होती है तो तीनों जो एज लेंथ है वो इक्वल होंगी, इट मींस ए क्यू, राइट, 100 से इंटू कर दीजिए। अब ए क्यू की वैल्यू में, ए की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, ए की वैल्यू, क्योंकि ये कॉर्नर के एटम टच तो नहीं कर रहे, तो मैंने इस डायग्राम में केवल उतने ही एटम को यहां शो किया जितने एटम से हम ए और आर का रिलेशन और ए की वैल्यू निकाल सकें। कैसे, आप देखिए ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ये सेंटर फेस पार्टिकल ये टच करता है कॉर्नर के पार्टिकल को, तो यहां हम लोगों ने ट्राइंगल बन गया हमारा, कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, ट्राइंगल एबीसी, फॉर एंगल फॉर ट्राइंगल एबीसी, तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल यानी बीसी, इस बीसी वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है ये दैट इज डायगोनल ऑफ, दैट इज वैल्यू इज फेस डायगोनल लेंथ, राइट, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल यू कैन से, तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट, ए बी एज लेंथ ए, ये भी ए है, तो हम इन दोनों के हेल्प से ये दोनों वैल्यू हमें मालूम है, ए ये भी है, ए भी है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये ए थोड़ा ना होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये एज लेंथ नहीं है, ये लेंथ ऑफ फेस डायगोनल है। सो बीसी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बीसी इक्वल टू हो जाएगा अंडर 2aa, इज दैट क्लियर, बीसी इक्वल टू हो गया। अब ये देखिए ये तीनों एटम जो फेस डायगोनल पर हैं, राइट, यहां की से ये बी एटम, ये वाला सी एटम, ये वाला ये फेस के सेंटर वाला एटम, तो बीसी इक्वल टू 4r, r 1 2r 3r 4r, ये रेडियस हो गई 1 2 रेडियस 3 रेडियस 4 रेडियस, तो बीसी इक्वल 4। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करने पर ए और आर का रिलेशन हम लोगों ने बना लिया और वो ए और आर का रिलेशन हो गया ए इक्वल टू 4r अपॉन अंडर 2। हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए जो कि ए क्यू होता है, ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन अंडर 2 का होल क्यू मींस 64 r क्यू अपॉन 2 अंडर 2, इज दैट क्लियर।
इस वैल्यू को अपन ने यहां पुट कर दिया, ये रख दिया, और उसी को सॉल्व करते हुए जब हम लेकर आए तो ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी 74%। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, बार बार लिखकर देखिए, जितना मटेरियल है नोट्स में आपको मैंने पूरा अवेलेबल कराई है, बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप उसको रफ कॉपी पर अलग से प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम बनाइए, डायग्राम जितने की नीड है आप, दैट इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम, सिंप्लीफाइड डायग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ फेस डायगोनल बीसी, फेस ऑफ डायगोनल बीसी, राइट। सो हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपेयर करने पर ए और आर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम इसके बाद इसे मैं यहां से इरेज करता हूं, और इरेज करने के बाद में हमने एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी निकाल ली, अब इन तीनों टाइप की, क्योंकि यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। ओके, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी जो क्यूबिक सिस्टम है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इनकी हम लोग कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन आपके पास ऑलमोस्ट टेबल बनी हुई है, कंपेरिजन विद द हेल्प ऑफ पैकिंग इफिशियंसी, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। सो इनके बेसिस पर हम लोग किन किन क्या क्या एक दूसरे में डिफरेंस कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये एरेज कर रहा हूं, और एरेज करने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे। जब तक आप लोग अपने नोट्स में देखिएगा, तो इन तीनों में हम लोगों को, तीनों में हम लोगों को एक कंपेयर करनी है। ओके, दैट इज द टेबल फॉर एससीसी, बीसीसी, एफसीसी कंपेयर, राइट। इस टेबल के कॉलम पहले देखें आप लोग, नंबर ऑफ एटम्स जिसको जेड से इंडिकेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम्स जितने भी एटम उस यूनिट सेल में होंगे उनका टोटल वॉल्यूम कितना होता है ये देखेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, अ टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है ना, ए क्यू कह रहा हूं मैं यहां, पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक टेबल हम लोगों ने मेंशन कर ली, एससीसी के लिए फॉर एससीसी जेड वैल्यू 1 होती है, नो प्रॉब्लम, 8 × 1/8 = 1, राइट। फॉर बीसीसी वैल्यू 2 होती है, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू होती है 4, ठीक है ना, हमें मालूम है ये सारी। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इट मींस एक एटम में और एक एटम की वॉल्यूम यानी 4/3 πr³, ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 2 × 4/3 πr³, इज दैट क्लियर, हियर 4 × 4/3 πr³। इस टेबल से आपको सारी चीजें आपको गेन हो जाएंगी। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एससीसी के लिए ए इक्वल टू 2r होता था, क्योंकि एज लेंथ पर किसी भी एक्सिस पर टू एटम एक दूसरे को कॉर्नर के एटम टच करते थे, इसके लिए होगा ए इक्वल टू 4r/√3, इज दैट क्लियर, इसके लिए होगा ए इक्वल टू 4r/√2। बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग इस आगे के मॉड्यूल में स्टडी करेंगे, जिसमें आपको मैं रेडियस दूंगा, ए निकालनी होगी आपको, और विद द हेल्प ऑफ ए आप टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मींस ए क्यू, ये निकाल सकते हैं। तो यहां ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी 8r³, 2r³, ओके, यहां हो जाएगी 64r³/√3, इज दैट क्लियर, यहां हो जाएगा 64r³/√2, एनी प्रॉब्लम। और पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो इस वैल्यू को जब मैं इससे डिवाइड कर दूं तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल आएगा, और उस पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकिंग इफिशियंसी निकल आएगी, जो हमें मालूम है 52.4%, 68% एंड नेक्स्ट इज 74%, राइट। दीज आर द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ दीज एससीसी, बीसीसी ऑफ एफसीसी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था ये आपको मालूम है, एससीसी में अपनी लेयर के 4 को टच करता था, ऊपर के लेयर के 1 को और नीचे के लेयर को 1 को, आप पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता था 8, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता था 12। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीसी, बीसीसी और एफसीसी ऑलरेडी आपके पास टेबल बनी हुई है, ठीक है ना, ये टेबल आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, बहुत सारी बातों को बताएगी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, और वैसे आपके पास ऑलमोस्ट पीडीएफ के थ्रू नोट्स पहुंच ही रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो
तो इस रिलेशन के बाद अब हम इस पर फोकस करेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. सो नेक्स्ट हेडिंग इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के फॉर्मूले को हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है और फॉर्मूला क्या होता है. हेडिंग इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. किसी की मुझे डेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी होती है तो डेंसिटी डी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. यूनिट सेल की डेंसिटी मीन्स मास ऑफ यूनिट सेल, एम मीन्स मास ऑफ यूनिट सेल, इज दैट क्लियर. यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट. तो डेंसिटी निकालने के लिए मुझे मास ऑफ यूनिट सेल, अब देखिए किसी भी यूनिट का मास किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ एटम्स पर. इट मींस मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ ईच एटम. इज दैट क्लियर. मास ऑफ ईच एटम, ओके. क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्यूबिक के लिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ए क्यू. इज दैट क्लियर. सो वी कैन रिटर्न हेयर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी इंडिकेट हेयर डी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इट इज इंडिकेटेड बाई जेड, राइट, जेड इंटू मास ऑफ ईच एटम, ओके. मास ऑफ ईच एटम विच इंडिकेट्स बाई स्मॉल एम, ओके. सो फॉर्मूला डेंसिटी डी इक्वल टू जेड इंटू स्मॉल एम अपॉन वॉल्यूम. जेड मीन्स नंबर ऑफ एटम. यू नो वेरी वेल फॉर एससीसी, फॉर नंबर वन एससीसी द जेड वैल्यू इज वन, ओके, एक एटम होता है स्टूडेंट. बीसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होगी, टू. एफसीसी में जेड की वैल्यू होती है फोर, राइट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो एज वेल एज दिस वीडियो, राइट. एम इज द मास ऑफ ईच एटम, इट इज. नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ए क्यू, राइट. वी वॉन्ट टू नाउ हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ ईच एटम. इसे समझने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको समझना होगा जो एटॉमिक मास बताई गई थी ना, एटॉमिक मास लाइक एज हाइड्रोजन का 1 होता है स्टूडेंट, सोडियम का 23, एल्युमिनियम का 27, याद आ रहा है ना आपको, सिल्वर का 108, जेडएन का 65, गोल्ड का 197, ओके, मैग्नीज का 55. ये एटॉमिक मास है, एक एटम का मास है ये, इज दैट क्लियर. अब इस एक एटम के मास को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब एटॉमिक मास की यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग यू से भी इंडिकेट करते हैं, यू मीन्स यूनिफाइड मास, राइट. तो एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. अगर इन एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में इंडिकेट करेंगे तो यह कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास. एक्चुअल में ग्राम एटॉमिक मास, लिसन केयरफुली, ग्राम एटॉमिक मास, हाउ टू डिफाइन इट, व्हेन द एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, राइट. लाइक एज 27 ग्राम, इट मींस द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, ग्राम एटॉमिक मास 55, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीज, राइट. एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू या इज ऑल्सो नोन एज मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर मास ऑफ एलिमेंट. व्हाट इट इंडिकेट्स, एक्चुअल में वो मास अब उस एलिमेंट के 1 मोल ऑफ एटम का मास हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम का मास हो जाएगा वो, और 1 मोल एटम के मास को हम क्या कहेंगे बेटा, मोलर मास कहेंगे. तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ एलिमेंट, राइट.
लुक एट द बोर्ड, एल्युमिनियम के रेस्पेक्ट में ये 27, दैट इज 27, ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करें. 27 के पीछे अगर यू मेंशन कर दिया जाए, यू, यू मीन्स यूनिफाइड मास, यू ऑल्सो सेज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये एल्युमिनियम के एक एटम का मास होगा. बट 27 के पीछे ग्राम लगाते ही इट इज द ग्राम एटॉमिक मास, इट इज द मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम, मीन्स 6.023 × 10⁻¹⁰, 6.023 × 10⁻²³ 23 एटम्स का मास हो जाएगा, क्योंकि इतने एटम्स को हम वन मोल बोलते हैं, राइट. सो हेयर मैं लिख सकता हूं, सिंस स्मॉल एम की वैल्यू निकालने में मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर ए फॉर अवोगाड्रो, एन फॉर नंबर, मोलर मास में अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे मोलर मास में. यानी एल्युमिनियम के एक एटम का मास अगर निकालना है, जो होता ही है, पर मैं कह रहा हूं आपको निकालना है हाउ टू फाइंड आउट, देन द मोलर मास डिवाइडेड बाय द अवोगाड्रो नंबर, राइट, दैट इज द मास ऑफ ईच एटम ऑफ एल्युमिनियम, राइट, अगर मैं एल्युमिनियम की बात कर रहा हूं. सो डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम व्हाट इंडिकेट्स, मास ऑफ ईच एटम, राइट, और कैपिटल एम इज मोलर मास. तो इन प्लेस ऑफ एम वी पुट दिस वैल्यू ए क्यू इंटू एन ए, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ एनी यूनिट सेल. एस सी सी के लिए जेड की वैल्यू कंफर्म हो गई, जेड मीन्स क्या हो गया, नंबर एटम्स, एम मीन्स मोलर मास, स्मॉल एम मीन्स यू कैन सी ऑन बोर्ड मास ऑफ ईच एटम, बट एम इज इक्वल टू, एम इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास, राइट. एन ए अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर वैल्यू इज 6.023 × 10³³, राइट, और ए क्यू इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल. जेड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, राइट. सो दीज आर द इंडिकेशन बाय दिस टाइम. अब क्वेश्चन ये कि अगर मुझे ड्राइव करना तो मैं सिस्टमेटिक अगर लिखता तो मेरे माइंड में क्या होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू होता है डी इक्वल टू एम अपॉन वी, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. आपके पास ऑलरेडी है, आप तो यहां देखने की कोशिश करिए यहां से. तो सिंस डेंसिटी इक्वल टू ये हो गया, अब मास ऑफ यूनिट सेल, यानी आपके लिए अगर मैं कहूं तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, अगर आप स्टार्टिंग करें वन, दैट इज टू, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ ईच यूनिट सेल, नंबर टू हो गया, ठीक है ना. इस वैल्यू को आपने यहां रख दिया तो डेंसिटी इक्वल टू हो गया जेड, राइट, इनटू स्मॉल एम अपॉन ए क्यू. ए क्यू मीन्स क्यूबिक टाइप की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसकी एज लेंथ इक्वल होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो एज लेंथ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यू. ओके, स्मॉल एम इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, स्मॉल एम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोलर मास में अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, राइट. तो मोलर मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, सो वी कैन फाइंड आउट, वी कैन टेक दिस फॉर्मूला, डी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, मिल जाएगा हमको ये फॉर्मूला. तो इसकी हेल्प से हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां तक बात समझ में आई हमें, तो एक तो हमारे लिए ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब आगे के हमारे मॉड्यूल में, या फिर अगर हमारे पास टाइम होगा तो इसी मॉड्यूल में देखेंगे कि हम, एक तो हम कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे. ओके, न्यूमेरिकल हम लोग मॉड्यूल नंबर 8 में भी कर सकते हैं अगर टाइम होगा हमारा इतना तो, और उसके बाद हम लोग मॉड्यूल नंबर 9 में भी न्यूमेरिकल ले जाएंगे. न्यूमेरिकल में हम लोग स्टडी करेंगे एक तो जो वॉइड्स होती है ना, वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वाले, उन पर बेस न्यूमेरिकल होगा और डेंसिटी पर भी बेस न्यूमेरिकल होगा. जब तक आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो ये नोट करें, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑलमोस्ट आप लोगों के पास, ठीक है, ये सारा मटेरियल है ही, ठीक है.